Kalia National Park and our Airbnb is in front of us. अभी तक एक गाड़ी हम लोगों का पहुंचा है, दूसरा गाड़ी अभी आया नहीं है. So they are on their way. Now we are unloading all the stuff from the car and this is our Airbnb. जा रहे हैं. सो वी हैव फाइनली रीच्ड अकाडिया नेशनल पार्क एंड वी आर इनसाइड आवर एयरबीएनबी नाउ. नाउ इट्स अराउंड 11 एट नाइट एंड वी आर गोइंग टू हैव आवर डिनर. सो डिनर में क्या क्या है देखते हैं और अभी चलते हैं डाइनिंग एरिया में. पूरे एयरबीएनबी का टूर आप लोगों को बाद में करवाएंगे, पहले आज के डिनर में क्या है ये देख लेते हैं. So, अभी हम लोग आ गए हैं डिनर टेबल में, पहले मेनू देखते हैं क्या है. चाइनीज फ्राइड राइस, बिरयानी. व्हाट इज देयर इन मेन्यू? बिरयानी, बिरयानी, मटन बिरयानी एंड चिकन फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस एंड चिकन एंड मटन आर कमिंग एंड अलोंग विद दैट नान एंड ऑनियन कुलचा. ग्रैंड मुगलाई मेन्यू, ग्रैंड मुगलाई मेन्यू. डाइनिंग एरिया, ओके, मटन एंड चिकन, पनीर एंड chicken and mutton. Chicken and mutton, okay. And this is naan. And onion kulcha. Onion kulcha and naan. Microwave is the bottleneck right now. हुए है और गार्डन है यहाँ पर, बट यहाँ पर गार्डन वैसे अलग से नहीं होता है, ऐसा कोई फेंस्ड नहीं है. जो इनका गार्डन है वो साइड में फॉरेस्ट के साथ ब्लेंड हो गया है आगे चल के. सो ऐसा कोई मार्क्ड गार्डन अलग से नहीं है, बट दिस पोर्शन यू कैन कॉल ऑफ कोर्स अ गार्डन, दिस पोर्शन एंड नाइस फ्लावर्स. This is the entrance. काफी पुराना बिल्डिंग है इसीलिए इसका कंस्ट्रक्शन स्टाइल भी ओल्ड स्टाइल है एंड ये इसके साइड से जा रहा है. तो साइड से जाके देखते हैं पीछे की तरफ क्या है. ये एंट्री है ऑफकोर्स एंड वी आर नाउ गोइंग टू लुक एट वॉट इज देयर इन द बैक साइड. बैक साइड में भी एक बारबेक्यू एंड थिंग्स लाइक दैट थोड़ा बहुत बनाया हुआ है. अच्छा ये इक्विपमेंट है, ये एक इक्विपमेंट है लॉन मो करने के लिए, लॉन मोअर टाइप का कुछ है. एंड दिस इज आई डोंट नो व्हाट इज दिस, दिस इज काइंड ऑफ स्टोरेज टाइप का है.
और ये इसका बैक साइड है, बैक साइड में आ गए हैं हम लोग। ये एक बारबेक्यू लगा हुआ है, सो यहाँ पर बारबेक्यू कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स फ्यूल वगैरह अंदर होगा, उसको लेके अगर कोई चाहे तो यहाँ पर बारबेक्यू कर सकते हैं। यहाँ पर टेबल भी लगा हुआ है, सो यहाँ पर बारबेक्यू बना के यहाँ बैठ के खा सकते हैं। और वेल नाइस फ्लावर्स हियर एज वेल। और यहाँ पर भी बैठने का कुछ इन्होंने कर रखा है, दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन सिट एंड रिलैक्स। कुछ चेयर्स वगैरह रखा हुआ है, और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर फॉरेस्ट के साथ ब्लेंड हो गया गार्डन आगे चल के, अगर बियर्स वगैरह आ जाए, भालू आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड दिस इज द बैक साइड ऑफ द हाउस, ये अपर फ्लोर्स है और अपर फ्लोर है और नीचे ये ग्राउंड फ्लोर के साथ एक एक्सटेंडेड बैल्कनी है, पैशियो है। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? Where are we going today? Acadia National Park. We are going to visit Acadia National Park. Okay, so are we ready? Yeah. रोड दैट वी आर इन राइट नाउ, दिस इज कॉल्ड पार्क लूप। ये एक 27 माइल रोड है जिसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, देर आर डिफरेंट पॉइंट्स वेयर टिपिकली पीपल स्टॉप, देर आर पार्किंग्स एंड देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द मैप। ओके, दिस इज द मैप, इसको देख के अलग अलग जगह पर रुक सकते हैं। हाइट वाइज हाँ थोड़ा सा हिली है, बट इट्स नॉट लाइक कोई स्टीप हिल है, बट थोड़ा इंक्लाइन, रिलैक्स्ड इंक्लाइन है। हम लोग अभी जा रहे हैं पॉइंट नंबर 7 विच इज़ थंडर होल। यहाँ का जो अभी मौसम है उसमें थोड़ा ड्रिजलिंग हो रहा है, बट ड्रिजलिंग होने से एक अच्छा एनवायरनमेंट एक क्रिएट हो गया है। इससे ज़्यादा अगर बारिश ना हो तो ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का थंडर होल है, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। दिस एंटायर पार्क लूप हाँ हम लोग हाई टाइट देखने के लिए थंडर होल जा रहे हैं। तो वहाँ से क्या आएगा, सी का व्यू आएगा नीचे। सी है और जो पत्थर है ना उसमें टकराते हैं, तो इसलिए अच्छा भी लगता है। हाँ सो वो देखते हैं कैसा रहता है, और उसके बाद हम लोग फिर कोई और पॉइंट पे जाएंगे।
कई लोग यहाँ पर हाइक भी करते हैं, ऑल्दो इट्स अ लॉन्ग हाइक, एंड साइड साइड में ट्रेल्स हैं, कई बार गाड़ी रख के पीपल कैन एक्चुअली गो फॉर अ हाइक, डिफरेंट ट्रेल्स है, बट अभी वो वाला मौसम नहीं है जिसमें हाइक कर सके. अगर सनी प्रॉपर वेदर होता है तो कर सकते थे, बट अभी हम लोग एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि एक के बाद एक पॉइंट गाड़ी से उतर के पार्क करके थोड़ी देर 10-15 मिनट स्टॉप लेके देख लेने का. सो देखते हैं हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट जो है थंडर होल वो कैसा रहता है. अभी हम लोग थंडर होल का जो मेन स्पॉट है वहाँ पर जा रहे हैं. सीरी से उतर के एक व्यूइंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर रॉक फॉर्मेशन के बीच में एक वाटर वॉर्टेक्स क्रिएट होता है, स्पेसिफिकली जिसके लिए इस जगह का नाम थंडर होल दिया गया है. सो अभी हाई टाइड आ रहा है और बहुत अच्छा वाटर वॉर्टेक्स देखने के चांसेस है. सो सीरी से उतर के हम लोग अभी डायरेक्ट वहीं पर जाएंगे. Yeah,
How is Thunder Hole? Thunder Hole is a very beautiful place. You can see it is all over the ocean of Atlantic Ocean. And we expected a big tide today. I think it's just starting now. We just saw a very big wave, but we are expecting to see more. Expecting to see more. Let's see. Let's see. All right. Sorry, just want to get it. अकाडिया नेशनल पार्क में पार्ट वन का वीडियो हम लोगों का यही एंड होता है। बाकी जो पार्ट है वो एक एक करके आता रहेगा, सो हम लोगों के चैनल में आगे भी देखते रहिए। जो अपकमिंग पार्ट्स है वो और भी इंटरेस्टिंग होगा। हम लोग बहुत सारे नए जगह एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारा नया फूड ऑप्शन हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।